तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल एस के बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, AFS और बहुत सारे पोर्टलों की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्पाइस मनी का जो है एक अपडेट आया है उसे मैं बताने वाला हूँ, उससे क्या क्या फ़ायदा है वो भी बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो बन रही है बड़ी चाले, तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आपको चलते हैं बताते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, स्पाइस मनी एक जो है APS के मामले में एक ट्रस्टेड कंपनी है, जो बहुत सारे अपडेट कर रही है। इस महीने में भी किए हैं, करंट अकाउंट का भी ऑप्शन जो है लाए थी, लेकिन उसे अभी बंद कर दी है। क्यों बंद करी है उसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा या फिर चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे पे। तो स्पाइस मनी में जो अपडेट हुआ है वो हुआ है कि आप लोग अपने वॉलेट से बैलेंस को अपने सेटलमेंट करते होंगे अपने अकाउंट में। तो जो भी सेटलमेंट करते हैं, IMPS NEFTS दो प्रकार से सेटलमेंट होते हैं। IMPS का मतलब होता है कि आप तुरंत अपना इंस्टेंटली अपने बैलेंस को अपने वॉलेट में अपने बैलेंस वॉलेट को अपने अकाउंट में तुरंत ले सकते हैं। और जो NEFT का होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो बैंक खुला रहेगा तभी आपका वो होता है NEFT से आपका अकाउंट मूव। लेकिन ये अपडेट नहीं है। अपडेट ये है कि दोस्तों आप लोग अपना सेटलमेंट करते हैं तो आप लोग 25,000 रुपये के अंदर अंदर करते हैं IMPS द्वारा, तो आपको 5 रुपये करते हैं। लेकिन आप लोग 25,000 से ऊपर करते हैं, 25,000 से 2,00,000 तक ही कर सकते हैं। 2,00,000 तक करेंगे तो 10 रुपये कटेगा। लेकिन वो है, स्पाइस मनी ने अपनी लिमिट को इंक्रीज करते हुए बढ़ाते हुए आपसे एक अपडेट किया है, जो कि आप लोग IMPS के थ्रू अपने अकाउंट में बैलेंस को सेटलमेंट करेंगे तो आप एक दिन में 5,00,000 रुपये तक सेटलमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, 5,00,000 रुपये। पहले 2,00,000 रुपये था, अभी भी था, लेकिन आप आज से 7 तारीख से ये 5,00,000 रुपये हो गए। एक दिन में एक बार में आप लोग 5,00,000 रुपये मूव कर सकते हैं। लेकिन फायदे की बात ये है कि उसमें आप लोग 5,00,000 तक भी मूव करेंगे तो आपका 10 रुपये ही कटेगा, उससे अधिक नहीं कटेगा। तो उसमें 10 रुपये तक ही कटेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी कंपनी के थ्रू या फिर CSP बैंक ये सब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपको कोई भी अधिक प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़िए। मेरा जो है टाइम है 1 बजे से दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक। कोई भी सपोर्ट के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने साथ, तब तक धन्यवाद। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।